हे गाइस, चटोरी दीपा की रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ हर पार्टी की जान दाल मखनी, जिसके बिना कोई भी पार्टी अधूरी लगती है। और ये रेसिपी ऐसी है जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम साबुत उड़द दाल है और 50 ग्राम राजमा, उसको रात भर भिगो के रख दिया था। अब ये पूरे अच्छे तरीके से भीग गए हैं, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे कुकर में शिफ्ट कर रही हूँ, जिसे हमें प्रेशर कुक करना है। अब मैंने इसमें 1 लीटर करीब पानी डाला है और अब खड़े मसाले 4 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी हरी इलायची, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और इन सबको अब हमें प्रेशर कुक करना है। तब तक ये हमारी दाल प्रेशर कुक हो रही है, मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लिया। 2 बड़ी प्याज हैं, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। हमें जो दाल मखनी है उसकी हमें प्योरी तैयार करनी है, तो इसको हमें ऐसे ही सौते करना है। अब हम इसमें 2 टमाटर हैं मोटे मोटे, वो काट के मैंने इसमें वो डाल दिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं जिसमें मैंने काजू और बादाम डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाली है, और इनको ऐसे मिक्स करके हमें हाई फ्लेम पे 4 से मिनट के लिए पकाना है। अब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, जिससे हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। पहले हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर्ड करके 102 मिनट के लिए पका लिया, जिससे मेरे ये टमाटर प्याज हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हमें इसे मिक्सर में ब्लेंड करना है। तो प्योरी हो गई है हमारी रेडी। तब तक हम देख लेते हैं, अब हमारी दाल भी पक के रेडी हो गई है। दाल में कम से कम 8 से 10 सीटियाँ लगानी हैं, और ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से घुट जाए। दाल जितनी अच्छी से पकेगी, दाल उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो अब हमें इसका तड़का तैयार करना है। मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं खाने वाला। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला, बारीक कटी प्याज डाली है 1, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना आ जाए, और इसको हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब प्याज का कलर काफ़ी अच्छा आ गया, अब मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर, किचन किंग पाउडर, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हमारी जो प्योरी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पका लिया। तो ग्रेवी आप देखेंगे इसकी काफ़ी अच्छे से पक गई है, सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, और कलर बहुत अच्छा आ गया है इसका। आप देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें हमारी जो बॉईल करी हुई दाल है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जितने भी खड़े मसाले थे वो सारे मैंने निकाल के अलग कर दिए हैं, क्योंकि खड़े मसाले खाते टाइम जब मुंह में आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और बच्चे उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमें इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दाल मखनी मसाला, नमक स्वाद अनुसार, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और दाल वैसे काफ़ी अच्छे से घुट गई है। अब हमें इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। दाल मखनी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। और अब हम इसमें क्रीम है वो ऐड करेंगे, क्रश करा हुआ पनीर है वो हम ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है, तो आप एक बार ये वीडियो देखकर प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो दाल मखनी बनाई वो कैसी बनी।
और दाल मखनी हमारी ऑलमोस्ट पक के बिल्कुल एकदम तैयार हो गई है। बस अब हम इसे बाउल में निकाल देंगे और बाउल में निकाल के हम इसे क्रीम से गार्निश कर देंगे। गार्निश करने का मेन मोटिव यह है कि जब हमने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही होनी चाहिए। तो ये हमारी क्रीम से हमने इसे गार्निश कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन आपको बनाना है तो आप बनाएं, नहीं तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। वो मेरे को अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। अब हम इसमें बटर है वो बटर ऐड कर देंगे। बटर के बिना तो दाल मखनी बिल्कुल ही अधूरी है। और इसको हमने हरे धनिए से गार्निश कर दिया और बनकर तैयार हो गई हमारी रेस्टोरेंट वाली दाल मखनी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू सो मच गाइज़।